इस वीडियो के थंबनेल और टाइटल से इंप्रेस होकर अगर आप ये वीडियो देखने आ गए हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे एक व्यू मिला, बल्कि इसलिए कि आप एक ऐसे एक्टर के बारे में होने वाली बात को सुनने के लिए इंटरेस्टेड हैं जिसने बिग बजट कमर्शियल फिल्म से नहीं बल्कि अपने छोटे छोटे कैरेक्टर से फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाई। इस वीडियो में मैं एक्टर विक्रांत मेसी की 10 ईयर ऑफ पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करूंगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज़ को एक पॉजिटिव माइंडसेट रख के सोचेंगे और उस पर काम करेंगे तो वो चीज़ डेफिनेटली आपके साथ होगी। और ये बात मैं ऐसे ही हवा में नहीं कह रहा हूँ, विक्रांत मेसी ने ये बात एक इंटरव्यू में खुद बताई है। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक्टर विक्रांत मेसी की पहली वेब सीरीज मिर्ज़ापुर नहीं थी। 10 साल टेलीविजन करने के बाद और टीवी के कंटेंट से बोर होने के बाद विक्रांत मेसी ने फिल्म्स में करियर बनाने के डिसाइड किया। उन्होंने 2013 में विक्रमादित्य मोटवानी डायरेक्टेड लुटेरा मूवी से डेब्यू किया। इस मूवी में उन्होंने देव का कैरेक्टर प्ले किया जो रणवीर सिंह के कैरेक्टर का दोस्त होता है। ये कैरेक्टर एक बहुत छोटा सा कैरेक्टर था बट एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था जिसे उन्होंने बखूबी प्ले किया, जिसकी वजह से साल 2015 में जोया अख्तर डायरेक्टेड दिल धड़कने दो में उन्हें राणा खन्ना का कैरेक्टर मिला। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस में डिसेंट कमाई करी पर विक्रांत मेसी की उतनी बात नहीं हुई, होती भी क्यों, वो सपोर्टिंग कास्ट थे। साल 2016 में उनकी कोई भी मूवी नहीं आई। फिर आया साल 2017 जहां विक्रांत मेसी के पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस के रिजल्ट्स दिखे। साल की स्टार्टिंग में वो मोहित सूरी डायरेक्टेड हाफ गर्लफ्रेंड में दिखे जहां उन्होंने अर्जुन कपूर के कैरेक्टर के रूममेट का रोल प्ले किया। इस मूवी में भी उनकी ज्यादा बात नहीं हुई क्योंकि आफ्टर ऑल वो एक सपोर्टिंग कास्ट थे। बट फिर भी विक्रांत मेसी लोगों के दिमाग में एस्टैब्लिश होने लग गए थे। फिर हाफ गर्लफ्रेंड के बाद रिलीज हुई अ डेथ इन द गंज, जिसे कोनकाना सेन शर्मा ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी में एक तरह से विक्रांत मेसी का लीड रोल था। इस मूवी के बाद उनके करियर को एक पुश मिला और इस मूवी के लिए वो फिल्मफेयर अवार्ड्स फॉर बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स की कैटेगरी में नॉमिनेट भी हुए। और उसके बाद वो दिखे अलंकृता श्रीवास्तव डायरेक्टेड लिपस्टिक अंडर माय बुरखा में, जहां पे उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा ज्यादा देखने को मिला। अब आप सोच रहे होंगे साल 2017 में इन तीन मूवीज को करने के बाद साल 2018 में विक्रांत मेसी हमें बबलू पंडित का कैरेक्टर प्ले करते हुए मिर्ज़ापुर सीजन 1 में दिखे, जो उनकी पहली वेब सीरीज थी। बट ऐसा नहीं है, विक्रांत मेसी की पहली वेब सीरीज थी एक यूट्यूब वेब सीरीज जिसका नाम था राइस, जिसमें उन्होंने लीड कैरेक्टर प्ले किया था। ये सीरीज एक ट्रैवल इंथुजियास्ट बंदे की पहली बाइक ट्रिप के अराउंड रिवॉल्व करती है। विक्रांत मेसी ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी बताया कि उन्हें आर्काइवल वैल्यू से भरे हुए कैरेक्टर्स प्ले करना पसंद है, और जो उन्होंने किए भी, क्योंकि साल 2017 तक उन्होंने जितने भी कैरेक्टर्स प्ले किए उनकी एक आर्काइवल वैल्यू थी, लोगों को वो कैरेक्टर्स याद रहे। और ऐसे ही वैल्यूबल कैरेक्टर्स कंसिस्टेंसी से प्ले करने के बाद हमें विक्रांत मेसी बबलू पंडित का कैरेक्टर प्ले करते हुए मिर्ज़ापुर में दिखे, जो कि फिर अपने आप में एक आर्काइवल वैल्यू से भरा हुआ कैरेक्टर था। बबलू पंडित, कौन ही भूल सकता है उस कैरेक्टर को। मिर्ज़ापुर सीजन 1 के बाद साल 2023 तक उन्होंने 3 वेब सीरीज और टोटल 12 फिल्म्स करी, जिसके बाद वो 12th फेल में दिखे जहां पे उन्होंने कमाल कर दिया। 12th फेल में विक्रांत मेसी की परफॉर्मेंस की जितनी तारीफ करें उतनी कम है, और उनकी परफॉर्मेंस इस मूवी में एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए एक लेसन है। तो ये थी विक्रांत मेसी की 10 ईयर ऑफ पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन की जर्नी, जिससे हमें ये समझ में आया कि एक पॉजिटिव माइंडसेट और कंसिस्टेंसी आपको एक दिन सक्सेसफुल बना सकती है। विक्रांत मेसी ने अपने 10 साल के इस फिल्म करियर में हमें अपनी एक्टिंग रेंज को दिखाया और हमें बहुत से यादगार कैरेक्टर्स दिए। आप कमेंट्स में बताइए कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था। एनीवेज, ऐसे ही एंटरटेनमेंट और मूवी रिलेटेड कंटेंट के लिए हमारे चैनल वायल मीडिया को सब्सक्राइब कीजिए।